कि यदि समय रहते बस ना पकड़ी जाए तो वह छूट जाती है और व्यक्ति अपने गंतव्य तक देरी से पहुंचता है। कुछ ऐसा ही कैंसर जैसी बीमारी के साथ है। यदि समय रहते इसकी पहचान और उपचार शुरू कर दिया जाए तो मरीज काफी हद तक ठीक हो सकता है। करनाल में कैंसर के मरीजों के लिए महाविरदल अस्पताल में एक विशेष सौगात का आगाज हुआ है। अब ऐसे मरीजों को उपचार के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके उपचार की सुविधा करनाल के महाविरदल अस्पताल में शुरू हो चुकी है। विख्यात कैंसर सर्जन डॉक्टर बिमलेश हर माह के पहले और आखिरी रविवार को मरीजों की जांच करेंगे। यहां पर कैंसर के मरीजों के लिए विशेष तौर पर सुविधाओं का निर्माण किया गया है। पत्रकार वार्ता के दौरान डॉक्टर बिमलेश ने बताया कि कैंसर शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। महिलाओं में यह मुख्य तौर पर यह स्तन तथा गर्भाशय में होता है, जबकि पुरुषों में फेफड़ों में और मुंह में यह कैंसर सामान्य होता है। इस मौके पर महाविरदल के प्रधान कैलाश चंद गुप्ता ने बताया कि आने वाले समय में करनाल में कैंसर का मल्टी स्पेशलिस्ट केंद्र बनाया जाएगा। यहां पर उपचार अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि मरीजों की सेवा के लिए किया जाएगा। महाविरदल पिछले 60 सालों से लोगों की सेवा में तत्पर है। उनका मकसद लोगों की सेवा करना है। सही उपचार मिलने पर मरीज की जिंदगी बच सकती है। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदन और आप इस समय जरिए समाचार एक्सप्रेस में आपको बता दूं कि इस समय मौजूद हूं करनाल के कुंजपुरा रोड स्थित श्री सनातन धर्म महाविद्यालय अस्पताल में, जिनके द्वारा आज करनाल के लोगों को एक बेहतरीन सौगात दी गई है। जिस बीमारी के इलाज के लिए लोगों को अपना घर बाहर तक बेचना पड़ जाता था और उसकी वेदना इतनी पीड़ादायक होती है कि उसको सहन करना बमुश्किल हो जाता है, लेकिन उन सब रोगों के इलाज के लिए, यानी कि कैंसर जैसी घातक बीमारी के इलाज के लिए श्री सनातन धर्म महाविद्यालय अस्पताल ने एक नई पहल की है, नई शुरुआत की है। यहाँ पर हर महीने के दूसरे और आखिरी रविवार को कैंसर रोग विशेषज्ञ, जिनका नाम विमलेश ठाकुर हैं, वो आएंगे और वो लोगों की जांच करेंगे नॉमिनल चार्जेस पर। और इस समय मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर विमलेश ठाकुर। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। नमस्कार, धन्यवाद। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी आपने बताया था कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि अगर इसको समय रहते पकड़ लिया जाए, यानी एक बस की तरह है, अगर आपने देरी से पकड़ी तो वो छूट गई, तो इसका मतलब छूट गई। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे, कैंसर एक ऐसी बीमारी है? देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके इलाज के लिए हमें कभी देर नहीं करनी चाहिए। ये उन बीमारियों की तरह नहीं है, हर्निया और पित्त की थैली के पत्थर की तरह नहीं है, जो कि हम जिसके लिए हम इंतज़ार कर सकें। इसका सही समय पर जांच होना और इलाज होना बहुत ही आवश्यक है। और दुर्भाग्यवश हमारे देश में जो सेवाएं उपलब्ध हैं बड़े शहरों में, मेट्रो शहरों में ही उपलब्ध हैं, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, जिसके कारण कैंसर के इलाज में बहुत देरी हो जाती है। सर, अगर हम बात करें तो जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें मोस्ट कॉमन कैंसर कौन कौन से होते हैं? देखिए, हमारे देश में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर मुंह का कैंसर है मर्दों में, और लंग का कैंसर है, और महिलाओं में सबसे ज़्यादा स्तन का कैंसर और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर पाया जाता है। तो हमारे लिए हमारा नेशनल जो प्रॉब्लम है कैंसर में, यही बीमारियाँ हैं मुख्य तौर पर। अदरवाइज़ तो बहुत तरह के कैंसर होते हैं, हर हर कैंसर का इलाज डिफरेंट होता है। और इवन आजकल की आधुनिक समय में इतना इलाज आ चुका है कि इवन स्टेज 4 जो लास्ट स्टेज माना जाता है, उसमें भी इलाज से काफ़ी लंबे समय की जीवन पाया जा सकता है। सर, अगर हम करनाल की बात करें, आपने करनाल को चुना क्योंकि आपने अभी बताया कि करनाल में आपका घर भी है, आपने बताया था आपने करनाल को चुना। क्या करनाल में जिस महावीर दल के अंदर आपने बैठने का प्लान किया है, पिछले आपकी 5 या 6 विजिट हो चुकी हैं, कितने पेशेंट आपके पास आ चुके होंगे? देखिए, हमारे पास अमूमन 6 से 10 पेशेंट हर रोज़ आ जाते हैं, और इस बीच भी, जिस मेरे आने के बीच में दौरान में भी काफ़ी मरीज़ों के साथ हमारा संपर्क होता है, जिसको हम सुझाव देते हैं और उनको जो हमारे थ्रू सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं, हम देने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। देखिए, ये थे मेरे से डॉक्टर विमलेश ठाकुर। अब मैं बात करने का प्रयास करूंगा श्री सनातन धर्म महाविद्यालय अस्पताल के प्रधान कैलाश चंद गुप्ता जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस। धन्यवाद आपका। सर, आपके प्रयासों से पिछले 60 सालों से करनाल में महावीर दल लगातार लोगों के मानवता की सेवा करता आ रहा है। अभी आपने बताया कि इसकी शुरुआत आपने आई कैंप से की थी, उसके बाद लगातार पत्नी कितने वार्ड यहाँ पर चल रहे हैं जो लोगों को नॉमिनल रेट्स में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, और अब आपने करनाल को एक और बेहतर सौगात दी है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही चाहूँगा कि पहले डॉक्टर विमलेश से चाहूँगा कि अपना मन बनाएं और करनाल में आएँ, क्योंकि डॉक्टर के बिना तो ये सुविधा हो नहीं सकती। और जहाँ तक महाविद्यालय की बात है, मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हम बिल्कुल अपनी तरफ से
किसी प्रकार का फाइनेंशियल इंटरेस्ट ना रखते हुए जनता को जो मिनिमम पैसे में, मिनिमम खर्चे में, मिनिमम परेशानी में जो उनको ये सेवाएं मिल सकती हैं वो उनको मिलनी चाहिए। हम ये चाहेंगे डॉक्टर विमलेश पहले हैं कि वो अपना मन बनाए कि करनाल में ही मुझको सेटल होना है। जैसा वो आ रहे हैं उनका मन भी है और अच्छे भी हैं, मैं तो मैंने बात की उनसे, दो तीन बार बात की तो मुझे अच्छे लगे, वो सुलझे हुए लगे, समझदार लगे। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि कोई आदमी 50 साल से प्रैक्टिस कर रहा है और 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है कि उसका ज्ञान ज़्यादा हो या उसका कम हो, ये तो डिपेंड करता है। तो इसलिए मेरा प्रयास तो यही रहेगा कि, और मैं ये भी चाहूँगा, भगवान से प्रार्थना भी करूँगा कि अपना मनमाना है करनाल में रहें और ये सुविधा महाविद्यालय के माध्यम से लोगों को मिले। क्योंकि कई बार आदमी सोचता आता कि उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसको ज़मीन लेनी पड़ेगी, उसको बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, उसको सामान लाना पड़ेगा, कई करोड़ रुपया खर्चा होता है। तो यहाँ को खर्चा करने की जरूरत नहीं है किसी भी व्यक्ति को, यहाँ पर सब चीज़ बना हुआ है, सब हिसाब बना हुआ है, यहाँ पर सब व्यवस्था है, यहाँ पर ओटी भी है, ऑपरेशन थिएटर्स भी हैं और डॉक्टर होंगे, ओपीडी है, लाइट है, पानी है, सब व्यवस्था है, डॉक्टरों के रहने के लिए रेजिडेंस भी हैं, सब चीज़ें हमारे को। तो मैं तो यही चाहूँगा कि अभी एक और हमारे जो सेवाएँ हैं, सेवाओं में एक सेवा और जुड़ जाए तो हालांकि लोगों को, करनाल के लोगों को बहुत फ़ायदा इससे होना चाहिए। देखिए ये थे मेरे साथ सनातन धर्म महाविद्यालय के प्रधान श्री कैलाशचंद गुप्ता जी, जिन्होंने ये कहा कि महाविद्यालय की सेवाओं में मील का एक और पत्थर जुड़ गया है जिसके द्वारा अब लोगों को कैंसर जैसी बीमारियों से निपटने के लिए, उनके उपचार के लिए दूर दराज के इलाकों में नहीं जाना पड़ेगा, ना ही लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। हर महीने के दूसरे और आखिरी रविवार को उनको करनाल के सभी महाविद्यालय अस्पताल में यह सुविधा मिलेगी। और उनका ये भी कहना है कि वो डॉक्टर विमलेश जो कि यहाँ पर आ रहे हैं पिछले कई दिनों से 5 या 6 विजिट कर चुके हैं, उनका ये भी कहना है कि डॉक्टर विमलेश चौधरी से उनकी यह प्रार्थना है कि वो दिल लगाकर काम करें, क्योंकि महाविद्यालय अस्पताल का ऐसा कोई भी प्रयास नहीं रहेगा और उनका ऐसा कोई भी भाव नहीं है कि जिससे उनको किसी तरह से धनराशि की प्राप्ति हो। लोगों के द्वारा दिए गए अनुदान उनके द्वारा और इनकी अपनी मेहनत के द्वारा ही ये लोगों का इलाज करने में सक्षम है। मैं तरुण वदन, सीनियर कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी के समाचार एक्सप्रेस के लिए, धन्यवाद। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।